क्या है रामनवमी के दो दिन बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का मतलब? क्या है रामनवमी पर अयोध्या में 50 लाख लोगों के आने के अनुमान का मतलब? क्या जो राम कुल आए हैं वो 2024 में सरकार भी बना पाएंगे? दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद 17 अप्रैल 2024 को पहली रामनवमी पड़ रही है और उसके दो दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मतदान का आगाज होगा। दोस्तों, 2024 के आम चुनाव में इन दोनों तारीखों की ये नजदीकी धार्मिक और सियासी दोनों ही नजरियों से बड़ा गुल खिलाने वाली है। ये कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सनातन भारत वर्ष के लिए इस बार आर होगा या फिर पार। हम इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव भारत के भविष्य के लिए आर पार की जंग है। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी की तरफ से खूब लगाया जा रहा है। बीजेपी के साथ कई राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि बीजेपी की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी होगी और अयोध्या में राम मंदिर का बनना इसमें सबसे बड़ा रोल निभाएगा। दोस्तों, इसके पीछे एक तर्क ये दिया जा रहा है कि श्री राम वो भगवान है जिनकी पूजा भारत के हर क्षेत्र और इलाके में होती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर जगह न केवल भगवान राम की मान्यता है बल्कि हर क्षेत्र के लोग अपने आप को भगवान राम के वंशज या उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों से खुद को जोड़ते हैं। भगवान राम वो ऐतिहासिक महाविभूति हैं जिन्होंने भारत के एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा पैदल ही कर दी। 14 वर्ष का उनका वनवास वास्तव में भारत के भ्रमण का ही काल था। दोस्तों, भारत में भगवान राम की ये पहुंच 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा रोल अदा करने जा रही है क्योंकि ये चुनाव अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत के कोने कोने से आने वाला हर व्यक्ति उनके दर्शन कर अभिभूत हो रहा है। किसी के आंसू गिरने लगे हैं, किसी को शरीर में कंपन महसूस हो रहा है, हर व्यक्ति को अलग अलग दिव्य अनुभूति हो रही है। ये अनुभूति उन्हें अचरज में डाल रही है। ये लोग वापस अपने राज्य, जिले और गांव लौटकर इस दिव्य अनुभूति को साझा कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 17 अप्रैल रामनवमी के दिन करीब 50 लाख लोग दर्शन करेंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भारत के हर क्षेत्र के हैं जो वापस लौटकर भगवान राम की महिमा का गान कर रहे हैं और जाने अनजाने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे इस नारे के ध्वजवाहक भी बन रहे हैं। दोस्तों, इसका भरपूर फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसकी वजह से बीजेपी की हवा उन राज्यों और क्षेत्रों में भी चलने लगी है जहां उसे कमजोर माना जाता रहा है। दोस्तों, देश के राजनीतिक पंडित नहीं, ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन ने भी संभावना जताई है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और पीएम मोदी की अपार लोकप्रियता से देश में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार ही बनेगी। अखबार में हैना एलिस पीटरसन की तरफ से लिखे गए कॉलम में इस संबंध में कई और तर्क भी दिए गए हैं। दोस्तों, बीजेपी को इस बात का अच्छी तरह भान है कि 2024 के चुनाव में अयोध्या का राम मंदिर उनके लिए कितनी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, इसलिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को लेकर काफी संवेदनशील है। योगी सरकार ने कहा कि 17 अप्रैल को भव्य और दिव्य मंदिर में पहली रामनवमी भी दिव्य तरीके से मनाई जाएगी। मुख्य सचिव और डीजीपी ने क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ रामनवमी मेले में देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बैठक की है। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन, ठहरने, पेयजल, मेडिकल सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही रामनवमी का मेला लग जाता है। 9 दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। इस बार तो रामनवमी के दिन जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। ऐसे में श्री राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर परिसर के अंदर और अयोध्या जिला प्रशासन पूरे अयोध्या में तैयारी कर रहा है। अयोध्या प्रशासन ने आने वाले श्रद्धालुओं को व्यवस्थित रूप से दर्शन कराने के लिए होल्डिंग क्षेत्र तय कर लिए हैं। जगह जगह भीड़ को रोका जाएगा। इन क्षेत्रों में शेड और पीने के पानी के साथ मूलभूत सुविधाएं होंगी। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल लगातार रामनवमी की तैयारी के लिए बैठक कर व्यवस्थाओं को तय कर रहे हैं।
उनका कहना है कि अयोध्या प्रशासन आसपास के जिलों के प्रशासन से बात कर रहा है कि दर्शन के लिए आने वाले लोगों को अलग अलग दिन दर्शन के लिए प्रेरित किया जाए और अयोध्या की सीमा पर सीमित संख्या में लोगों की आवाजाही हो। लोगों से भी अपील की जाएगी कि वो अलग अलग दिन दर्शन करें। रामनवमी पर 16, 17 और 18 अप्रैल यानी 3 दिन तक राम मंदिर को 24 घंटे खोलने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। दोस्तों, राम मंदिर के इस महत्व को विपक्ष भी समझता है, लेकिन विडंबना है कि पूरा का पूरा विपक्ष राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान मौजूद नहीं रहा और यह सियासी मजबूरी कहें या वोट बैंक का चक्कर कि आज भी दिल खोलकर कोई भी विपक्षी दल राम मंदिर के निर्माण की खुशी नहीं जता पाया है। भारतीय सियासत की इस वक्त जो तस्वीर उभर रही है उसमें एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समूचा विपक्ष। एक तरफ सनातन धर्म और संस्कृति का नारा देकर आने वाले 1000 साल के लिए दुनिया के संचालन का खाका खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता का वही घिसा पिटा पश्चिमी देशों का नारा है जिन देशों के दोगलेपन को अब पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। दोनों ही पक्ष 2024 के चुनाव को आर या पार की लड़ाई बता रहे हैं। अब देखना होगा कि देश के 97 करोड़ मतदाताओं का ऊंट किस करवट बैठता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।